मैम, जब मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था तब हमारे सेंटर में टोटल जो स्टूडेंट्स थे 12-13 स्टूडेंट्स थे हमारे सेंटर में जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ था, हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था अपना। और उस ग्रुप में हमने सोचा कि एक ग्रुप बना लेते हैं और उससे हम डेली का एक टॉपिक दिया करेंगे और डेली हम अपने वीडियो कॉल से उस एक टॉपिक की तैयारी किया करेंगे। इससे मतलब कि बहुत हेल्प मिली थी सब मेरे को ग्रुप डिस्कशन में। मेंस क्वालिफाई करने के 10-15 दिनों के बाद हमारे कॉल लेटर्स आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के, और ये 2 घंटे का टेस्ट होता है हमारा, लेकिन इसकी कोई स्कोरिंग नहीं होती है। इसमें बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसे डील करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये टेस्ट होता है हमारा साइकोमेट्रिक। Everyone and welcome to another episode of Chamomile Tea with Toppers and initiated by Unacademy. I'm your host today, Ahana, and let's meet Shivam Bansal, who has cleared SBIPO and IBPSPO. Let's hear his journey, how he cracked it. Hi Shivam. Hello ma'am. Welcome to the show. Thank you ma'am. आप मुझे बताओ आपको कैसा फील हो रहा है सबसे पहली चीज़ तो। मैम इट्स गुड फीलिंग। एंड आपकी फैमिली एंड एवरीबडी हाउ डिड दे रिएक्ट व्हेन दे केम टू नो कि यू हैव क्लियर्ड द एग्जाम? दिस ईयर ऑन 1st अप्रैल व्हेन IBPSPO फर्स्ट रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड आई वाज लिटरली क्राइंग। इट वाज अ गुड फीलिंग फॉर मी एंड फॉर माय फादर आल्सो। एंड ऑन 18th अप्रैल आई रिमेंबर द इवनिंग ऑफ 18th अप्रैल, इट वाज अराउंड 6:30 PM। No one was in my family. My father was outside. मैं रो रहा था कि किसको बताऊं अपने के बारे में कि मेरा SBIPO भी निकल गया। फिर पापा को फ़ोन किया, उनको बताया, वो भी बहुत खुश थे तब। तो और आपके रिलेटिव्स ने धीरे धीरे आपको कॉल भी करना स्टार्ट करा होगा, एवरीबडी मस्ट बी कंग्रेचुलेटिंग यू, तो हाउ वाज द फीलिंग? बहुत ओवरवेलमिंग तो ऐसा फील हुआ या फिर ऐसा हुआ कि नहीं आई डिजर्व दिस? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा था, सबने मेरे को फ़ोन किया, सबने कंग्रेचुलेट किया, सब बहुत खुश थे। तो शिवम बंसल, आप पहले ये बताओ कि हाउ डिड यू कम टू दिस फील्ड? मतलब आपको कैसे ये पता चला कि मैं SBIPO एंड IBPSPO के एग्जाम्स दे सकता हूँ, एंड आपने अपना बैंकिंग का जर्नी कैसे स्टार्ट करा? जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, मेरी ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स में की है और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने एमकॉम में की है, तब मेरे को पता था कि मेरे को बैंकिंग फील्ड या फाइनेंस की फील्ड में जाना है। फिर मैंने धीरे धीरे से सर्च किया कि कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं इसके इस लाइन में, तो पता चला कि बैंकिंग की सबसे अच्छी फील्ड है, जहाँ पे जिसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी ज़्यादा इजी प्रोसेस भी रहता है इसमें। मतलब कि आपको 6-7 महीने में आपका सब क्लियर हो जाता है इसका, तो इससे मेरे को पता चला कि बैंकिंग फील्ड सबसे अच्छी फील्ड है। तो जब आप स्टार्ट करने वाले थे, आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत कुछ पढ़ना है और एक प्रॉपर गाइडेंस इसके लिए चाहिए, क्योंकि आपको कभी रिसोर्सेज नहीं पता थे व्हेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो आपको इस चीज़ में कैसे हेल्प मिली थी? सबसे पहले मैंने इसके सिलेबस के बारे में देखा कि सिलेबस क्या होता है, देखा काफ़ी फैमिलियर था सिलेबस इसका सब एग्ज़ाम्स का, तो धीरे धीरे सर्च किया कि क्या इसके प्रेपरेशन की टिप्स हो सकती हैं, तो फिर मेरे को अनअकैडमी के बारे में किसी ने सजेस्ट किया, वहाँ पे मैंने इसका सब्सक्रिप्शन लिया और उसकी फिर क्लासेस लेनी शुरू की मैंने। ठीक, तो आपकी प्रेपरेशन जर्नी पे अगर हम जाएं तो आपको प्रेपरेशन आपका दिस इज योर सेकेंड अटेम्प्ट राइट विच यू हैव क्लियर? यस। तो फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकेंड अटेम्प्ट लेट्स टॉक अबाउट योर प्रेपरेशन, हाउ डिफिकल्ट इट वॉज टू प्रिपेयर ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट आई वुड लाइक टू नो? मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने सिर्फ मेंस के लिए ज़्यादा तैयारी की थी, मेरे को लगता था कि प्रीलिम्स निकालना तो काफ़ी आसान रहेगा अगर मैं मेंस की तैयारी कर लूँ, लेकिन ये मेरी गलती थी कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ये गलती की मैंने। तो फिर मैंने धीरे धीरे से अपने, जब मेरे पता लगा कि मेरे प्रीलिम्स नहीं निकल रहे, तो मैंने देखा कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, फिर मैंने मॉक्स की अपनी ज़्यादा मॉक्स देने शुरू किए। दिन में मैं कई बार ऐसा भी होता था कि जब 4-4 मॉक्स भी दे देता था, इससे मेरी काफ़ी स्पीड बढ़ी और क्लासेस भी डेली लगाता था मैं, इससे काफ़ी हेल्प मिली मेरे को। तो जब आप प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट कर रहे थे तब आपने क्या सोशल मीडिया, दोस्तों से मिलना सब कुछ बंद कर दिया था या फिर
ऐसा नहीं था, आप सोशलाइज भी करते थे, आप एग्जाम्स की तैयारी भी करते थे? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव था तब. चलो दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस दो, क्योंकि आपको सोशली भी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है एंड पढ़ाई में भी ध्यान देना. मतलब कि फैमिली फंक्शंस में नहीं जाता था मैं, बिल्कुल भी नहीं जाते थे. नहीं जाता था. हाउ अबाउट द सेकेंड टाइम व्हेन यू प्रिपेयर्ड फॉर प्रीलिम्स, हाउ वाज द जर्नी ऑफ दैट? वहाँ काफी मेरी स्मूथ प्रोसेस रही मेरे को, लेकिन आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया होगा ना, बिकॉज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में जो आपने बोला कि प्रीलिम्स में इतना मैंने नहीं ध्यान दिया था, आई फोकस्ड मोर ऑन मेंस, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने काफी ज्यादा प्रिपेयर करा. कितने टाइम पहले आपने स्टार्ट करा था? मैंने ये तैयारी शुरू की थी जुलाई 2021 में. आपने काफी पहले से ही अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था मैंने. ठीक है, ठीक है. तो आपका सबसे पहले तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश और जीके. तो आपने उसकी तैयारी सबसे पहले स्टार्ट करी थी या फिर आपने एक स्केड्यूल बनाया था कि मुझे सबसे पहले ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना है, या जो सबसे टफ आपको लगता है? आपको सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है? टफ मेरे को रीजनिंग लगती थी. रीजनिंग. तो आपने सबसे पहले रीजनिंग से स्टार्ट किया था या इंग्लिश से? नहीं, सबसे पहले मैंने रीजनिंग से शुरू किया था. देखा कि क्या इसकी टिप्स हो सकती हैं, क्या पजल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं, उसको देखा, फिर शुरू किया धीरे धीरे से. ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं, प्रिपरेशन जर्नी. तो व्हाट वाज योर रिसोर्स व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश? मतलब आपने न्यूज़पेपर्स को रेफर किया या आपने यूट्यूब्स के किसी वीडियोस को स्पेशली रेफर करा, कैसा था? मैम, मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता था, लेकिन इसलिए इंग्लिश में मेरे को ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं न्यूज़पेपर डेली रीड करता था, एडिटोरियल्स को रीड करता था डेली, जब टाइम मिलता था यूट्यूब वीडियोस भी देख लेता था निमिषा मैम की, इससे काफ़ी हेल्प मिली. और स्पेशली मॉक्स देता था इंग्लिश के, सेक्शनल मॉक्स. आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो, मेंस हो. मॉक्स आपने कितने कितने, मतलब आप अगर काउंट अगर आपको याद हो तो प्रीलिम्स के लिए कितने प्रिपेयर करोगे आपने? नियर अबाउट 100 टू 200 मॉक्स तो दे दिए होंगे. और ये आपने पहले दिन से ही देना स्टार्ट कर दिया था या फिर लाइक एग्जाम के कुछ दिन पहले से? नहीं, पहले दिन से शुरू कर दिए थे मॉक्स देने साथ साथ में. तो आप हर सब्जेक्ट का देते थे, इंग्लिश का भी, क्वांट्स का भी? पहले सेक्शनल मॉक्स देता था, फिर बाद में फुल मॉक्स देने लग गया था. ठीक है, तो आपने उसमें कुछ टाइमर भी आपने रखने स्टार्ट करा था कि इतने टाइम में मेरे को ये कंप्लीट करना है, ताकि आपका वो टाइमिंग जो आपका एग्जाम्स के टाइम पे होता है वो आप कवर कर सको? मॉक्स का टाइमर होता है 20 मिनट्स का. मैं इंग्लिश को टारगेट करता था कि 15 मिनट में मैं पूरा कर लूँ उसको, और क्वांट्स और रीजनिंग 20 मिनट्स में पूरा कर देता था मैं मॉक्स. ठीक, इनके सेक्शनल मॉक्स. ठीक, तो आप क्वांट्स कैसे, मतलब आप मेजर करोगे इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी? आजकल क्वांट्स का लेवल काफ़ी बढ़ता जा रहा है मेंस के लेवल में खास करके, इसलिए हम सिर्फ अपना अर्थमेटिक को ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते, डेटा इंटरप्रिटेशन को भी हमने बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा अगर हमने मेंस को अपना क्लियर करना है. तो आपको इसमें भी कौन सा सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट या ऐसा हो कि आपके बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आते हो कि टाइमिंग, एक टाइमर जो आपने सेट कर रखा है उसमें नहीं हो पा रहा है, वो DI था या अर्थमेटिक? अर्थमेटिक सेक्शन. अर्थमेटिक आई थिंक बहुत सारे लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगता भी है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसको सॉल्व करने में टाइम काफी ज्यादा, क्वेश्चन समझने में भी कई बार टाइम लग जाता है. तो आपने अपनी एक्यूरेसी पे कैसे काम किया उस चीज को कि एक्यूरेसी भी हो और टाइम के अंदर भी हो जाए चीज? डेली मॉक्स देता था, पता लग जाता कि क्वेश्चन का कैसा लेवल है, उससे क्वेश्चन भी समझ लगने लग गया था जब मॉक्स देता था मैं अपने, और अपने काफी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली थी मैंने तब तक, इसलिए मेरे को आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से काफी हेल्प मिली थी उसको. तो आपको पूरे दिन में आप कितना टाइम देते होगे प्रीलिम्स के टाइम पे क्वांट्स को? नियर अबाउट 2 to 3 hours. 2 to 3 hours. एंड व्हाट अबाउट द अदर सब्जेक्ट्स, आप कितना कितना टाइम उसमें देते? इंग्लिश को मैं नियर अबाउट 1 hour देता था. रीजनिंग को 3 to 4 hours डेली देता था. ठीक है, और जनरल अवेयरनेस को डेली 2 hours. तो मतलब जो सब्जेक्ट में हमें डिफिकल्टी लेवल ज्यादा लगती है, आई थिंक उसको ज्यादा तो प्रीलिम्स से ही आपने स्टार्ट कर दिया था मेंस की प्रिपरेशन भी, या फिर आपने सेपरेट रखा था उन दोनों की प्रिपरेशन? नहीं, मैंने प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी इकट्ठे ही स्टार्ट कर दी थी. तो आप कैसे रीजनिंग को आप मतलब कैसे टैकल करते थे शुरुआत में? ऐसा हुआ हो कि
नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो कैसे होता था वो चीज़? पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करने की तैयारी करने लगा मैं, जैसे कि कोडिंग हो गया, सलॉग्स हो गए, इनइक्वालिटीज हो गए, इनसे काफ़ी मार्क्स हम गेन कर सकते हैं वहाँ प्रीलिम्स में। फिर धीरे धीरे से जो आसान वाली पजल्स होती हैं प्रीलिम्स की, उसको सॉल्व करना शुरू किया, काफ़ी हेल्प मिली फिर इससे, जब इससे कॉन्सेप्ट भी बिल्डिंग काफ़ी हुई कॉन्सेप्ट की भी। फिर मेंस की पजल सॉल्व करते करते तो काफ़ी थक जाता था, कई बार दो दो घंटे भी लग जाते थे एक पजल को सॉल्व करने में। बीच में फ्रस्ट्रेशन भी होता था कि ये क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो रहा, छोड़ दूँ इसको मैं, लेकिन फिर कहता था क्लियर तो इस बार करना ही करना, जैसे भी मर्जी करके, तो बस तैयारी करता था फिर ऐसे। तो बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स में ही रह गया था, तो कहीं ना कहीं एक डर था आपको सेकेंड अटेम्प्ट में कि इस बारी के प्रीलिम्स भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? शुरू में तो डर लगता था कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन काफ़ी मतलब तैयारी की और लगा कि हो जाएंगे। जब आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करेंगे तो आपको एक रियलाइजेशन आ जाता है शायद कि हो जाएगा, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपको सेकंड स्टेप का और टेंशन होता है क्योंकि क्योंकि वही है कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर ली, नाउ मेन इज मच मोर टफर। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, वो एक थोड़ा सा एक दिमाग में बैठ जाता है चीज़ें। प्रीलिम्स के एग्जाम्स की अगर हम बात करें, सो हाउ डिफिकल्ट इट वाज? प्रीलिम्स इतना मुश्किल नहीं होता, वहाँ कंपटीशन ही ज़्यादा होता है और आपको सिर्फ वहाँ कट ऑफ ही क्लियर करना होता है क्योंकि उसके मार्क्स नहीं हमारे ऐड होते फाइनल कट ऑफ में। अगर हम कट ऑफ के मार्क्स भी ले आते हैं तो हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। तो आपका प्रीलिम्स का जो एग्जाम्स था वो काफ़ी स्मूथ ही गया, कोई विदाउट एनी हेजिटेशन? आप कुछ बताएंगे कुछ एग्जाम्स जो एग्जाम हुआ था उसमें कोई ऐसा कोई मूवमेंट आया जहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो गया हो या बिकॉज इट्स सिस्टम्स राइट जिसमें आप कर रहे होते हैं, तो फिर कुछ भी दिक्कत हो, कीबोर्ड में दिक्कत जाती है कभी कभार, लैपटॉप नहीं चल रहा होता कभी कभार, ऐसा कोई दिक्कत आपको? मेरे सिस्टम फेलियर तो कभी हुआ नहीं था वहाँ, लेकिन जब मेरा SBAPO मेंस चल रहा था कीबोर्ड फेल हो गया था तब मेरा। फिर मैंने फटाफट से उनको बुलाया कि मेरा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, उन्होंने कीबोर्ड एक मिनट में सही कर दिया था। लेकिन वो आपका टाइम भी तो कंज्यूम कर रहा है, तो आपको कुछ पैनिक हुआ था? नहीं, मैंने कंट्रोल कर लिया था अपने आप को मैंने वहाँ पे। तो SBAPO और IBPSPO के एग्जाम्स में कितना डिफरेंस होता है इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस? क्योंकि हमारे सेक्शंस तो काइंड ऑफ सिमिलर ही आते हैं, सो हाउ डिफिकल्ट इज इट? मुझे लगता है जो IBPSPO होता है उसमें हमारा एक या दो सेक्शन ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, लेकिन SBAPO में हर एक सेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इस बार का जो मेंस का पेपर था वो काफ़ी डिफिकल्ट था SBAPO मेंस का, उसको देख के लग रहा था कि हम SBI का पेपर दे रहे हैं, ये डिफरेंस मेरे को वहाँ फील हुआ। ठीक है, सारे सेक्शन ही मुश्किल थे वहाँ पे, सारे सेक्शन ही मुश्किल। हाँ जी, वो तो और फिर डिफिकल्ट हो जाता। इंग्लिश भी काफी हाई लेवल की थी इसकी, SBAPO मेंस की। तो अब आप मेंस में आए हो तो हम मेंस की प्रिपरेशन पे ही चलते हैं। अब आपने इंग्लिश का ही बोला है कि इट वाज डिफिकल्ट मेंस का, और वो स्पेशली SBAPO का। तो सबसे पहले तो प्रिपरेशन के टाइम पे डिड यू नो कि एग्जाम्स टफ आने वाले हैं और SBI का और टफ होने हो सकता है, आपको ये गाइडेंस कहीं से मिली थी? हाँ, पता था कि PO के मेंस के लेवल का एग्जाम काफी हाई लेवल के। तो आपने उसके लिए क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करे थे, मतलब क्या आपने एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी थी फॉर इंग्लिश? मैंने उसके लिए इंग्लिश और GK को काफ़ी ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना लिया था। उसके मैं इंग्लिश के डेली मॉक्स देता था, सेक्शनल मॉक्स, और GK के लिए मैं डेली अपने तीन घंटे तो डिवोट करता ही था। और मैंने वहाँ उसके मंथली PDFs मैंने 5-6 बार तो पढ़ ही लिए थे, जिससे मेरे को वहाँ मेंस में काफ़ी हेल्प मिली थी। तो आपने स्केड्यूलिंग में भी कुछ ऐसा करा था कि अब मैं 1 घंटे ना देके इंग्लिश को 2 घंटे दूंगा, ऐसे कुछ आपने करा? मैंने मेंस के जब मेरा पता लग गया था कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, तब हार्डली हमारे पास 10-15 दिन ही होते हैं मेंस के एग्जाम के लिए, तो मैंने तब क्वांट और रीजनिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दिया था क्योंकि पता लग गया था कि अब एग्जाम में जो होगा तो वो देख ही जाएगा, क्वांट्स और रीजनिंग के लिए स्पेशली, क्योंकि अब उसकी हम ज़्यादा तैयारी नहीं कर सकते, हम ज़्यादा पॉइंट्स अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं इंग्लिश और GK में। इसलिए मैंने वहाँ इंग्लिश और GK के लिए ज़्यादा तैयारी की। GK के डेली मैं PDFs ही रीड करता था और उसके सेक्शनल मॉक्स देता था, ऐसे इंग्लिश के लिए करता था मैं। अच्छा, इसमें इस जर्नी में मैं ये भी पूछूंगी कि कितना सपोर्ट था आपके फैमिली की तरफ से एंड एवरीबॉडी की, उन्होंने आपकी प्रिपरेशन में हेल्प
करी? मेरे पापा मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो बहुत मोटिवेट करते थे, कहते थे अगर इस बार नहीं निकला तो अगली बार तेरा पक्का निकल जाएगा जितनी तैयारी करता है। तो इवन जब आप पढ़ भी रहे होते थे तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, ऐसे कुछ आपने रूल बना रखा था कि अभी इस टाइम पे हूँ मैं, अभी कोई नहीं आएगा मेरे कमरे में? नहीं, मैं पापा के रूम में बैठ के पढ़ता था और जब रात को 3-3 भी बज जाते थे वो कहते थे कब सो जा, लेकिन मैं कहता था नहीं अभी थोड़ा पढ़ा है, पढ़ने दो। इसलिए सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को। कमिंग बैक टू योर प्रिपरेशन, जो आप इंग्लिश का बोल रहे हो, तो जब मैं साथ साथ पूछूंगी प्रिपरेशन भी एग्जाम भी, तो इंग्लिश का जो एग्जाम था कितना टफ वहाँ पे हो गया था आपके लिए? जब आपने एग्जाम का पैटर्न देखा, क्वेश्चंस देखे, कुछ ऐसा लगा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा है या फिर ये तो मेरे से नहीं हो पाएगा और आप अटक गए हो या कुछ हो गया हो इंग्लिश के एग्जाम में? SBI PO में एक बार ऐसा हुआ था जब देख के लगा था कि ये कैसा क्वेश्चन है, कुछ समझ नहीं लग रहा था वहाँ पे, लेकिन फिर ध्यान से वहाँ पढ़ा, फिर सॉल्व हो गए थे, मतलब कर लिए थे फिर वो। तो बट फिर भी इंग्लिश का बहुत स्मूथ गया, बेटर देन क्या बोलते बाकी जो एग्जाम के सेक्शन। ठीक है, कमिंग बैक टू पॉइंट्स, नाउ क्वांट्स का लेवल बहुत बढ़ गया है। आपने जैसे बोला आपने प्रीलिम्स के टाइम से ही स्टार्ट कर दी थी उसकी प्रिपरेशन, लेकिन जो जो 10-12 दिन का जो आप बोल रहे हो कि एक गैप होता है, तो उसमें आपको एक बार भी ऐसा लगा कि मैं कर लेता हूँ, नहीं मैं थोड़ा और टाइम दे देता हूँ क्वांट्स को, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? हाँ, जब मेरी GK हो जाती थी जनरल अवेयरनेस की, तो मेरे पास टाइम बच ही जाता था ऑलमोस्ट, तो मैं उसके सेक्शनल मॉक्स दे देता था। उसमें मैं एक या दो DI सॉल्व कर लेता था घंटे में। तो आपने सिर्फ मॉक्स दिए उस टाइम पे या फिर आपने रिसोर्सेज से? नहीं, तब मैंने सिर्फ मॉक्स दिए जब मेंस के टाइम, तो ठीक है, वहाँ क्लासेस में कोई अटेंड करता था तब। ठीक है, तो ये आप सजेस्ट भी करते हो टू द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स कि वो इस टेन्योर में ज्यादा से ज्यादा मॉक्स भी दे, उससे स्पीड भी बढ़ती है और पता लगता है कि क्वेश्चन का क्या लेवल है और क्वेश्चन कौन सा स्किप करना है वहाँ पे, ये भी पता चल जाता है हमें मॉक्स से। ठीक है, और क्वांट्स का लेवल SBI PO और IBPS PO के एग्जाम्स का क्या होता है? इट वॉज ऑलमोस्ट सिमिलर, लेकिन आप मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट लेवल ऐसा कुछ नहीं लगा? इंग्लिश वाज द ओनली सब्जेक्ट व्हिच वाज मच मोर टफर इन द SBI PO एग्जाम्स। यस मैम। ठीक है, और आपको अगेन जब रीजनिंग में आ जाते हैं तो उसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर कर फॉर द मेंस? उसके मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस काफी अच्छे कर लिए थे अपने, जैसे कोडेड सलोक्स, कोडेड ब्लड रिलेशंस, इनपुट आउटपुट, मशीन इनपुट आउटपुट, ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे कर लिए थे। आप एग्जाम्स के बीच में जब आप एग्जाम देते तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां भटक गए थे कि नहीं हो रहा है? मैं पजल्स को पहले सॉल्व ही नहीं करता था मेंस के पेपर में अपना। पहले मैं मिसलेनियस क्वेश्चन ही देखता था कि कहाँ पर है, उनको देख लेता था फिर सॉल्व करना शुरू कर देता था। अगर टाइम बचता था पजल सॉल्व करने के लिए तो जो इजी लगती थी वो सॉल्व करता था, अगर नहीं तो उसको स्किप ही कर देता था मैं पजल्स को मेंस के। तो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे क्या रिसोर्स यूज किया था फॉर द मेंस, क्वांट्स और रीजनिंग दोनों? क्वांट्स के लिए मैंने आशीष अरोड़ा सर की वीडियोस ही देखी थी और रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर। सो अभी मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ कि जैसे जब क्वांट्स करते हैं लोग, काफी लोगों को क्वांट्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, तो उनके लिए आप कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताना चाहते हो कि आप अपने स्केड्यूल में इतना टाइम आप डिवोट करो फॉर द मेंस एग्जाम आई एम सेइंग, या फिर आप इस सब्जेक्ट को अगर अभी नहीं हो रहा है तो फिर अभी के लिए आज एक दिन के लिए आप छोड़ दो, ऐसा कुछ आप अपना सजेशन देना चाहोगे उनको? मैं यही कहना चाहूँगा अपने पहले तो बेसिक स्ट्रांग कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो उसको एक दिन के लिए स्किप कर दो, उसको ट्राई करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप आपका लेवल काफी बढ़ जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था कि जब मेरे से क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे सोचता था कि छोड़ दूं, मेरे से नहीं हो पा रहा, लेकिन फिर कहता था करना तो यही है मेरे को और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो इससे काफी हेल्प मिली जब मेरे, फिर मैंने अपने बेसिक्स ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर लिए थे, बहुत हेल्प उससे हेल्प हुई मेरी। तो जैसे रीजनिंग के लिए भी आपने ऐसा कभी हुआ है कि प्रेपरेशन के बीच में आपने पूरा एक दिन निकाल दिया और रीजनिंग के लिए आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो पा रहा हो? नहीं, ऐसा कोई दिन नहीं था। मैं ज्यादा रीजनिंग को मतलब के मिसलेनियस क्वेश्चंस में काफी सॉल्व करता था, मेंस की पजल्स नहीं मेरे से सॉल्व होती थी, उससे कई बार होता था कि एक लगा कर लूं, लेकिन जब सॉल्व नहीं होती थी तब छोड़ देता था मैं बीच में, क्योंकि अब क्या ही कर सकते, आप उसमें ज्यादा टाइम भी स्पेंड करोगे तो आपके बाकी प्रिपरेशन के टाइम कम हो जाता है चीजों को। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम GK पे, बिकॉज मेंस में आपका GK भी आ जाता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी है, बट बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस यहाँ पे कम
आए थे राइट, लेकिन हम दोनों की प्रिपरेशन की बात करते हैं। नाउ जीके इज अ वेरी वाइड टॉपिक, आपको नहीं पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ से कौन से टाइम से पूछ लिया जाए, कौन से मिनट से पूछ लिया जाए, तो उसका आप क्या सजेस्ट करते हो आपके रिसोर्सेज? क्योंकि कई सारे लोग बहुत सारे बुक्स पढ़ने लग जाते हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग जाते हैं, एंड कोई बिकॉज एक नैरो उनको गाइडेंस नहीं मिली होती है तो एक पैनिक भी हो जाता है, इतना सब कुछ कैसे मैं दिमाग में डालूँ या कैसे, तो आप क्या सजेस्ट करते हो इस चीज़ में? मैंने कपिल काटपर सर की वीडियो से शुरू किया था, फिर उनकी पीडीएफ आने लग गई थी, मैं पीडीएफ डेली उनकी रीड करता था। जब मेंस के टाइम मैं इनकी मंथली पीडीएफ काफ़ी रीड करता था, और मैंने मेंस के टाइम 5-6 बार हर एक महीने की पीडीएफ रीड कर ली थी, उससे मेरे को मेंस के टाइम काफ़ी हेल्प मिली। यही तो आप ये सजेस्ट करते हो कि आप एक नैरो डाउन रखो। हाँ जी, ऐसा नहीं कि आप हर एक सोर्स को फॉलो करो, एक सोर्स को फॉलो करो और उसी में आप अच्छे से उसको रीड करो, मेरी यही सजेशन है उसके लिए। तो जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, क्या आपने बिकॉज ऑब्वियसली मेंस तो नहीं आप पहुंच पाए थे, लेकिन जीके और बैंकिंग अवेयरनेस सबको पता होगा कि मेंस में आएगा, तो आपने क्या उस टाइम पे भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था पहले से? मैंने पहले दिन से जीके के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। तो तब आपके रिसोर्स क्या थे? तब मैं सिर्फ कपिल काटपर सर की वीडियोस देखता था, मैं पीडीएफ नहीं रीड करता था, तब मैं डेली पीडीएफ उनके वीडियोस देख लेता था। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि जीके ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेंस में या बैंकिंग अवेयरनेस, या दोनों का प्रिपरेशन इक्वल ही करो? नहीं, जीके ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस के पेपर। जीके के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। एंड अच्छा, और ये एसबीआई पीओ में आपका डिफिकल्टी लेवल कैसा था इस चीज को लेके? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, काफी ठीक क्वेश्चन से पता लग रहा था, रीड किए हुए थे वो सारे। तो आपने इसके लिए कुछ पुराने एग्जाम पेपर्स आपने करे थे सॉल्व? मैं पुराने जीके के लिए नहीं किए थे, लेकिन बाकी सेक्शंस के लिए मैंने पुराने क्वेश्चन पेपर देखे थे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तो अगर कोई अगर जिसको नहीं पता है कि किस रिसोर्स में जाके मैं जीके, तो क्या वो मॉक टेस्ट के थ्रू काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं, मतलब उनको पता लग सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम? जीके के लिए मॉक टेस्ट काम तो आते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पीडीएफ डेली रीड करो। मैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ भी डेली रीड करता था। मॉक्स जो दिए थे मैंने सिर्फ अपने मेंस के एग्जाम के टाइम दिए थे, उससे पहले मैंने मॉक्स नहीं दिए थे जीके के लिए। अब जीके में ट्रिकी आई थिंक वो भी हो जाता है कि आपको एक एक इंसिडेंट टाइम के हिसाब से डेट के हिसाब से याद करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका क्या आपका ट्रिक है? बिकॉज मेरे से तो नहीं हो पाता ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, तो आप उसको कैसे करते थे? क्योंकि एक एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक डेट भी इधर से उधर हुई तो दैट मीन्स वो पूरा उस इवेंट ही नहीं है उस टाइम पे, याद नहीं आएगा। तो फिर हाउ यू यूज्ड टू डू दैट? मैंने अपनी जो पीडीएफ थी 5-6 बार इतनी अच्छे से पढ़ ली थी, मेरे को पता लग गया था कि इसका आंसर क्या होएगा, इससे मेरे को काफी हेल्प मिली जो मैंने पीडीएफ रीड की थी तब मेंस के टाइम में। तो कांस्टेंट प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका जो मंत्र है वो यही है कि प्रैक्टिस ही कंटिन्यू करते रहो और कांस्टेंट होना चाहिए, एक दिन भी स्किप मत करो उस चीज को लेके। ठीक है, नाउ कमिंग टू द एग्जाम, जीके और बैंकिंग अवेयरनेस का जो एग्ज़ाम है वो आप मतलब आप क्वेश्चन वाइज बताएंगे कि कैसा था, मतलब हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ यू नो गिविंग द बोथ द एग्जाम्स? इसका डिफिकल्टी लेवल हो गया मतलब फॉर एनीबॉडी, एंड या फिर उसको सॉल्व करने का तरीका, बिकॉज आपके पास टाइमर है, यहाँ मेन्स में आपके पास टाइम का बहुत वैल्यू होता है, तो उस चीज़ के लिए आप बताएंगे? जीके का सेक्शन मेंस के पेपर में मैं इस बार मॉडरेट था, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं था, इजीली क्वेश्चंस पता लग रहे थे कि इसके क्या आंसर्स हैं, और उसमें टाइम भी काफ़ी होता है, और 10-12 मिनटों में हमारा पूरा सेक्शन वो कंप्लीट हो जाता है अगर हमें अच्छे से पता है, तो ऐसा कोई वो डिफिकल्टी नहीं था। ठीक है, ओके, सो आई गॉट टू नो कि इस बार आपके जो एग्जाम है उसका पैटर्न भी थोड़ा सा चेंज हुआ। हाँ जी। कि वैसे आपका वैसे सबसे पहले हमेशा इंग्लिश आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हाँ जी, बट दिस टाइम इट वाज रीजनिंग, और वो आपको एग्जाम के दिन पता चला। तो उसका क्या आपने करा, आपको कुछ पैनिक हुआ कि अरे अब कैसे, क्योंकि आप तो एक लेके जाते हैं ना मेंटल उसमें, हाँ कि अभी सबसे पहले तो इंग्लिश करेंगे, चलो कोई बात नहीं, दैट इज अ गुड सब्जेक्ट, आई एम गुड एट इट, तो हम उसको कर लेंगे, तो हाउ वाज इट? ऐसा मेरे साथ एसबीआई क्लर्क में हुआ था, जब पेपर देने पहुंचा, पेपर में सबसे पहले सेक्शन खुलता है रीजनिंग का,
पहले तो लगता है कि ये क्या हो गया, पहले रीजनिंग आ गई, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू किए तो हो गया था। लेकिन पहले थोड़ा सा पहले थोड़ा पैनिक हो गया था कि ये कैसे होगा, लेकिन आपको आई थिंक आपसे सेकंड शिफ्ट था, हाँ जी, तो इसलिए आपको पहले ही पता लगा, आप बच गए बेचारे फर्स्ट शिफ्ट वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। ठीक है, एनीवेज, तो ये तो आपका मेंस का प्रिपरेशन था। जब मेंस का आपने एग्जाम दे दिया, आपकी क्या फीलिंग थी कि आप क्लियर करोगे नहीं करोगे, हाउ वाज इट? IBPS PO में नहीं लग रहा था निकल जाएगा, लेकिन SBI PO में लग रहा था कि निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो आपने सबसे पहले किसको कॉल किया एग्जाम खत्म होने के बाद? पापा को। क्या बताया आपने उनको? IBPS PO के टाइम बता दिया था कि इतना अच्छा नहीं हुआ पेपर, ठीक हुआ है, लेकिन SBI PO के टाइम बता दिया था कि अच्छा हो गया पेपर, कि निकल जाएगा। आपके पापा का रिएक्शन कैसा था? IBPS के टाइम तो कहा था चलो कोई नहीं देख ही जाएगा, लेकिन SBI के टाइम ठीक था, अच्छे खुश थे वो। ठीक है, तो जब आपका मेंस का रिजल्ट आया तो तब आपकी फीलिंग क्या थी कि चलो ये भी क्लियर हो गया, नाउ एक ही पड़ाव है इसके बाद, तो क्या फीलिंग थी आपकी? काफी अच्छा था, खुश था काफी ज्यादा उस दिन। आपने इसके बीच में सोशलाइज करा था जब आपका मेंस एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस स्टार्ट करने वाले थे, उसके बीच में आपने सोशलाइज करा था? आप घर के फंक्शंस में तो नहीं गए, लेकिन जैसे दोस्तों के साथ बाहर जाना या कुछ भी करना, या फिर नहीं? नहीं, अभी मेंस के बाद ही है जो है। नहीं, तब मैं छोड़ दिया था, तब मैंने सब कुछ तब छोड़ दिया था सब कुछ। तो मेंस के बाद तो फिर आपने आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं गए होंगे, लोगों से मिले भी होंगे, तो उनका क्या रिएक्शन था कि इतने दिन बाद मिल रहे हो, क्या प्रिपरेशन थी, कैसा था एग्जाम? पूछ रहे थे कहाँ चला गया था इतने दिनों से, कोई ना कोई फोन वगैरह ना कोई मैसेज वगैरह, तो बता दिया था कि एग्जाम चल रहे थे इसलिए नहीं मिल पाया मैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस की। सो पहले मैं SBI का इंटरव्यू स्केड्यूल पूछूंगी, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? आपने उसका पहले प्रिपरेशन कैसे करा? आपने उसके कोई स्पेशल क्लासेस ली थी, या फिर आपने जस्ट मॉक इंटरव्यूज दिए हो कहीं पे, या फिर आपने बस जैसे कुछ लोग मिरर के सामने ही प्रिपेयर करते हैं, सो आपका क्या टेक्निक था उसका? मैंने इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यूज दिए थे कपिल काकपाल सर के, और उसके लिए मैंने इंटरव्यूज़ के लिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस को भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, और जैसे मैं कॉमर्स से बिलोंग करता था मैंने कॉमर्स के बेसिक्स को दोबारा से रिवाइज किया वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम। वो काफ़ी क्वेश्चंस उसके रिगार्डिंग पूछते हैं, आपकी ग्रेजुएशन किस फील्ड से है या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस फील्ड से है, उसके लिए हमें अपने बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। काफ़ी हेल्प मिली उसके मॉक इंटरव्यू से, मेरे को बहुत हेल्प मिली वहाँ पे, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड हुआ इंटरव्यू के लिए। आपका जो सबसे पहला मॉक इंटरव्यू था, बहुत नर्वसनेस थी मॉक इंटरव्यू? काफ़ी नर्वसनेस थी, क्योंकि इवन दो इफ इट इज मॉक, क्योंकि लेकिन वो आपको बिल्कुल एटमोसफियर ही ऐसा बना के देते हैं कि आपको ऐसा बिल्कुल ना लगे कि जस्ट अ मॉक, यू आर गिविंग एन एक्चुअल इंटरव्यू। ठीक है, और यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस कितना काम आता है? SBI के इंटरव्यू में बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा उन्होंने मेरे से नहीं पूछे थे, लेकिन IBPS के इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे बैंकिंग अवेयरनेस के। तो आपको अगर एक क्वेश्चन कुछ याद हो कि कुछ ऐसा पूछा हो? SBI के इंटरव्यू को याद है मेरे को, जैसे कि मैंने अपनी एमकॉम में इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी, उन्होंने जाते ही मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि आपने इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर रिपोर्ट बनाई थी, ये इस रिपोर्ट का क्या पर्पस था, और इसी चीज़ को इंटरव्यू मेरी 15 मिनट तक चली गई थी वहाँ पे, और इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली वहाँ पे। तो SBI PO में बेसिकली दे आस्क यू अबाउट योर फील्ड ज़्यादा, वो आपके मतलब आपका जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है उसके रिगार्डिंग वो आपको काफ़ी पूछते हैं। तो एंड व्हाट अबाउट द IBPS PO? IBPS PO के इंटरव्यू में उन्होंने मेरे से बेसिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, और जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी वगैरह, रेशो एनालिसिस के, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन उन्होंने मेरे से काफ़ी पूछे, और तब बजट के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे थे। बजट एज इन लाइक दिस ईयर बजट? दिस ईयर बजट, यस। अच्छा, एंड ग्रुप डिस्कशन भी आता है आपका? वो SBI PO के इंटरव्यू में आता है। तो हाउ वाज इट? How was the experience of the group discussion? ये जो group discussion का process है, अब 4 सालों के बाद अब दोबारा से शुरू किया गया SBI के द्वारा। इस बार अच्छा था प्रोसेस, जो टॉपिक्स भी दिए गए थे वो भी अच्छे थे, लेकिन वहाँ पे थोड़ा नर्वसनेस फील हो रहा था ग्रुप डिस्कशन के टाइम। सो ग्रुप डिस्कशन की बात करती हूँ मैं यहाँ पे, आपके SBI PO में ग्रुप डिस्कशन हुआ था, राइट? सो ये 3 साल बाद हुए, लास्ट आई थिंक 2019 में, जैसे कि आपने बताया 2019 में हुआ है, उसके बाद अभी जाके ये ग्रुप डिस्कशन हुआ है। ये आपको पहले से पता था कि ग्रुप डिस्कशन इज गोइंग टू हैपन?
नोटिफिकेशन में आ गया था कि ग्रुप डिस्कशन होगा। तो जब आपको नोटिफिकेशन में पता चला तो आपने उसकी प्रिपरेशन करी थी या फिर आपने बोला कि ठीक है जो होगा वो देखा जाएगा? मैंने सोचा कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद इसकी तैयारी शुरू करूंगा। पहले प्रीलिम्स और मेंस को टारगेट किया था तब मैंने, और जब मेंस क्वालिफाई हो गया था तब मैंने जीडी की तैयारी करनी शुरू कर दी। तो जीडी की देखिए, बिकॉज़ जीडी इज समथिंग व्हिच इज अ ग्रुप डिस्कशन, तो आप कितना भी आई थिंक उसमें प्रिपेयर कर लो, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रुप आल्सो, आपको कितना बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आपने उसका प्रिपरेशन कैसे किया, बिकॉज़ यू डोंट नो कि क्या टॉपिक दिया जाएगा आपको, क्या बोलना होगा आपको, कैसा ग्रुप मिलेगा, आपको नहीं पता होता। सो हाउ डिड यू टैकल दैट? मैम, जब मेरा साइकोमेट्रिक टेस्ट हुआ था तब हमारे सेंटर में टोटल जो स्टूडेंट्स थे, 12 और 13 स्टूडेंट्स थे हमारे सेंटर में जिनका मेंस क्वालिफाई हुआ था, हम सब ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया था अपना। और उस ग्रुप में हमने सोचा कि अब एक ग्रुप बना लेते हैं और उससे हम डेली का एक टॉपिक दिया करेंगे और डेली हम अपने वीडियो कॉल से उस एक टॉपिक की तैयारी किया करेंगे। इससे मतलब के बहुत हेल्प मिली थी तब मेरे को ग्रुप डिस्कशन में। तो जब एक्चुअल आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ था उसमें कोई आपको डिफिकल्टी लगी हो, क्योंकि इट आल्सो डिपेंड ऑन द पीपल इन द ग्रुप। मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो हमारा ग्रुप बना था उसमें से चार जन हम उसी ग्रुप में थे जो हमारा एक्चुअल जीडी हुआ था। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा वहां हेल्प मिली। आपका टॉपिक क्या था ग्रुप डिस्कशन? अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम, ठीक है। सो आपने इसका ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा था या फिर आपको कुछ आइडिया था, आपने फिर उसके हिसाब से बोलना स्टार्ट किया? नहीं, थोड़ा पढ़ा हुआ था इसके बारे में। तो इसका आपको कहाँ से पता चला कि हो सकता है, मतलब आप टॉपिक जो आप ग्रुप डिस्कशन में बात करते हो, या आपको कहाँ से आइडिया मिला कि ये टॉपिक्स शायद हो सकता है बात करी जाए? ये हॉट टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे रीड किए थे, और अग्निपथ स्कीम इस बार काफी ज़रा हॉट टॉपिक था, काफी पढ़ा हुआ था इसके बारे में। तो मतलब जो भी ग्रुप डिस्कशन के अगर टॉपिक अगर किसी को प्रिपेयर करने हो, सो दे हैव टू सी व्हाट इज द करंट टॉपिक्स दैट आर गोइंग ऑन, और कौन सी ऐसी चीजें जो मेजर इश्यूज भी है या फिर मेजर स्कीम्स है या मेजर पॉलिसीज है, इन सब चीजों को लेके वो तैयारी कर लिया अपनी। तैयारी कर लिया। हाँ। आपने साइकोमेट्रिक्स के बारे में बोला। हाँ जी। This is the first time that psychometrics is happening. Yes. And can you please tell us about what psychometrics is and ये कैसे, मतलब ये कब, ये इसका एग्जाम कब होता है या कैसे होता है, किस तरीके का? साइकोमेट्रिक टेस्ट ये होता है SBI PO के लिए, जब हमारा मेंस क्वालिफाई हो जाता है। मेंस क्वालिफाई करने के 10-15 दिनों के बाद हमारे कॉल लेटर्स आते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट के, और ये 2 घंटे का टेस्ट होता है हमारा, लेकिन इसकी कोई स्कोरिंग नहीं होती। इसमें बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाती है, अगर हमारे पास कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो हम उसको कैसे डील करेंगे, इसके रिगार्डिंग ये टेस्ट होता है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट। तो बिकॉज ये पहली बार हो रहा था तो आपको ये आइडिया कैसे मिला कि इसका एग्जाम का पैटर्न कैसे हुआ? इसका कोई पैटर्न नहीं था एग्जाम का। जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचे तभी जाके पता चला कि इसमें कितने क्वेश्चंस आने हैं और किस रिगार्डिंग के कैसे क्वेश्चंस आने हैं। बट इट इज ऑल पर्सनल क्वेश्चंस या किस चीज के ऊपर होते क्वेश्चंस? ये हमारी पर्सनैलिटी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस थे। अच्छा। जैसे कि इसमें एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास बैंक में अगर कोई नकली नोट देके, फोर्ज नोट देके जाता है तो उसमें आपका क्या स्टेप होगा? अगर 3-4 ऑप्शंस दिए हुए थे उन्होंने, उसमें से जो ऑप्शन हमें सही लगता है उसको टिक करना था वहाँ पे। तो ये बेसिक बैंकिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, थोड़ा बहुत बेसिक, कि क्या क्या पॉलिसीज है, क्या चीज सही होती है, बैंकिंग के रूल्स क्या है, अगर ऐसे सिचुएशंस हो कैसे। तो आई थिंक ये नॉलेज होना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इस चीज को, थोड़ा बहुत बेसिक बैंकिंग नॉलेज और थोड़ी बहुत हमारी पर्सनालिटी। तो आप कह रहे हो कि साइकोमेट्रिक्स के लेकिन एग्जाम मतलब कोई मार्क्स कहीं जुड़ते नहीं, दिस इज ओनली फॉर पर्सनालिटी टेस्ट। ओके, गॉट इट। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट होती है हमारी वो इंटरव्यू पैनल के पास जाती है, तो उसमें से वो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो हाँ पूछ सकते हैं, उनके पास शायद रिपोर्ट होती भी है हमारी जब हमारा इंटरव्यू चल रहा होता है। ठीक है। तो आपने SBI PO के इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन की भी बात करी, आपने IBPS PO के भी इंटरव्यू की बात करी, अब मैं बात करती हूँ इसके बाद का। जब आपको आपका इंटरव्यू हो गया, आपको क्या था कि आपको मिलेगा? IBPS PO का इंटरव्यू हो गया था मेरा मिड फरवरी में, तो बीच में 1.5 महीने का गैप था।
लग रहा था हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू IBPS PO का काफी अच्छा गया था मेरा, मेंस में स्कोर ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन इंटरव्यू काफी अच्छा चला गया था उसका, लग रहा था IBPS PO निकल जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा तो एक नर्वसनेस, जब 1 अप्रैल नजदीक आ रहा था बहुत डर रहा था, रात को सोता नहीं था, सोता रहता था कल क्या बनेगा, कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास। कितनी बार आपने अपना रिजल्ट देखा है सच्ची बताना, साइट पे जाके कितनी बार रिफ्रेश करते करते हुए आपने देखा है? IBPS का भी 5-6 बार, SBI पे PO का भी रोल नंबर 5-6 बार चेक किया मैंने तब कि सच में ये मेरा रोल नंबर है कि किसी और का रोल नंबर है ये। तो जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आ गया, मैं आपसे पूछूंगी कि आपका क्या रिएक्शन था, आपको बिलीव हुआ नहीं हुआ, कैसा था और कितने टाइम में हुआ बिलीव अगर नहीं हुआ तो? उस दिन मैं सुबह 6 बजे उठ गया, जो 1 अप्रैल को, आगे कभी नहीं मैं उठता 6 बजे, नहा लिया, मंदिर भी जाया है कि आज भगवान से मेरा पेपर क्लियर करा देना बस, हनुमान चालीसा भी पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, 8 बज गए लेकिन टाइम भी नहीं पास हो रहा था, अंदर से इतना डरा हुआ था। 9 बजे रिजल्ट आता है, सबसे पहले अपना रोल नंबर डालता हूँ, खुल जाता है, नीचे लिखा जाता है यू आर अलॉटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मैं सोचता हूँ ये कैसे हो गया मेरे साथ, तो 5-6 बार उसको चेक भी करता हूँ, फिर पापा को फटाफट से बताता हूँ, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आपके पापा उस टाइम पे आपके साथ नहीं थे? नहीं, तब पापा घर पे थे, IBPS PO के जब रिजल्ट आया था तब पापा घर पे थे तब। तो फिर आई थिंक वो बहुत ही जश्न वाला माहौल होगा एकदम घर पे, तो आपने भी कर लिया था कि हाँ हो गया है अल्टीमेटली उसी दिन पूरा वैसे जस्ट हो गया था कि हो गया ये पेपर में। और आपके दोस्तों का कैसा रिएक्शन था उस चीज को लेकर? जो मेरे दोस्त थे जिन्होंने पेपर दिया था उन सबका क्लियर हो गया था, हम 3 का ग्रुप था, 2 को यूनियन बैंक मिल गया था और 1 को यूको बैंक मिल गया था, और सभी तो बहुत अब आप सारे ही बैंकर्स हो चुके हो, तो फिर तो उस चीज को। एंड जो आपने बताया कि ग्रुप डिस्कशन के भी जो लोग थे आई थिंक, तो आपकी उनसे बात हुई थी कि आपका भी कैसे हुआ या नहीं हुआ? हाँ हुई थी, उन सबका भी सबका हो गया, अच्छा रिजल्ट। हाँ जी, चलो बहुत ही अच्छी बात है ये तो, वी आर वेरी ग्लैड दैट यू ऑल्सो गॉट इट। ठीक है, सो ये तो था पूरा का पूरा सेशन अबाउट योर प्रेपरेशन, योर जर्नी कैसा था क्या नहीं था, तो ये तो सारा आपका प्रेपरेशन का हो गया। अब हम कैमोमाइल टी विद टॉपर्स के एक बहुत ही खास सेक्शन में आते हैं विच इज कॉल्ड रैपिड फायर। अब यहाँ आपका अलग पर्सनैलिटी क्वेश्चन होने वाला है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम हाउ इट वॉज फॉर इन योर साइकोमेट्रिक्स एग्जाम, इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे हम आपसे बहुत क्विकली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपको क्विकली आंसर करना है। आर यू रेडी फॉर इट? यस मैम। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको अगर अपना नाम चेंज करना हुआ कभी तो आप क्या नाम रखोगे? इट कुड बी एनी नेम। आर्यन। आर्यन क्यों? मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये नाम। ऐसे बस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, आपने सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो करी हो इस साल या फिर आपने कोई इंटरेस्टिंग चीज़ देखी हो इस साल? मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, ये इंटरेस्टिंग है आपके लिए? मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये 2 महीनों में मैंने इतनी शॉपिंग कर ली जो मैंने आज तक नहीं की थी। ये बहुत इंटरेस्टिंग आंसर भी आपका। ठीक है, एंड आपके पास कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है जो आप सबसे ओन करते हो, जिसको सबसे इम्पॉर्टेंट या फिर जिसने बहुत वैल्यूबल? फॉर मी इट्स माय डैड, इट्स माय फादर। ठीक है, ओके, व्हाट इज वन थिंग यू आर हॉरिबल एट? मैं बहुत डरता हूँ। आप नेक्स्ट 10 इयर्स में क्या लुक फॉरवर्ड करते हो, नॉट इन सेंस ऑफ जॉब बट पर्सनली आल्सो? आई वांट टू बी मोर सक्सेसफुल। यू वांट टू बी मोर सक्सेसफुल, दैट्स वेरी नाइस। आप कोई एक लैंग्वेज अगर आप सीख सकते हो तो कौन सी होगी? फ्रेंच। फ्रेंच, तो मैं इसके हिसाब से दूसरा क्वेश्चन, सबसे एक जगह जहाँ पे आप जाना चाहोगे? कनाडा। आप फ्रेंच सीख के कनाडा जाना चाहोगे, वेरी नाइस, आई लाइक इट। एंड उसके बाद, इफ यू हैड टू वर्क बट डिडंट नीड द मनी, व्हाट वुड यू चूज, वर्क या पैसे? मैं वर्क करूंगा, मतलब कि मेरे को सेक्शन कॉल्ड टाइगर टॉपर।
आपके जो भी साथी हैं जिन्होंने क्लियर कराए एंड इफ़ यू वांट देम टू कम हियर टेल अबाउट देयर जर्नी, उनकी जो जो टैक्टिक्स से उनकी जो स्ट्रैटेजी थी एग्जाम के प्रिपेयर करने के लिए, तो आप प्लीज़ उनको टैग कर लीजिए। मैं यहाँ अपने दो फ्रेंड्स को बुलाना चाहूँगा, सबसे पहले एक शिवम जुनेजा और दूसरा काजल को। शिवम एंड काजल, somebody from our team will connect with you. We want you guys here and tell us about your journey. आपकी क्या strategies रही है? Audience will love to know about your journey. So Shivam, we have come to an end to this episode. But before ending this episode, I would like you to give a message to the aspiring people जो banking exams देने वाले in the coming years. कुछ भी ऐसा जो उनकी preparation journey में help कर सकती हो, कुछ मोटिवेट कर सकते हो तो प्लीज। देर आर ओनली टू कीज टू क्लियर बैंकिंग एग्जाम, फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूटी एंड सेकेंड वन इज पेशियंस। इन दोनों से आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो, लगे रहो, एक दिन ये एग्जाम जरूर निकलेगा। निराश कभी नहीं होना चाहिए हमें अपनी ज़िंदगी में। ये कॉन्टिन्यूटी और पेशियंस ही एक दो चीज़ें हैं जो मैं आप सबको एक एंड में आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। थैंक यू शिवम इतने मोटिवेटिंग वर्ड्स के लिए, एंड आई एम होपिंग कि ये ज़रूर किसी ना किसी को हेल्प करेंगे अपने प्रेपरेशन जर्नी में। तो विद दिस ब्यूटीफुल मैसेज वी कम टू एन एंड टू दिस एपिसोड। आई होप आपको शिवम की बातों से बहुत मोटिवेशन मिला होगा, उनकी प्रेपरेशन जर्नी, उनकी स्ट्रैटेजी से आपको बहुत हेल्प मिला होगा। आप प्लीज़ कॉमेंट्स में उनको कंग्रेचुलेट करना मत भूलिएगा। विद दिस वी आर एंडिंग दिस एपिसोड। आप इस एपिसोड को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डेफिनेटली कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स। थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।